देखिए देखिए, किसी अज्ञात कारणवश इस कस्बे के कई लोग पागल हो गए हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो सब लोग पागल हो गए होते। क्या हुआ इन लोगों को? मुझे नहीं पता है। इन सारे पागल लोगों को लेकर कालाबाग संप्रदाय चलो। जी जी गुरुजी, कृपया मेरी गलती माफ कीजिए। मैंने कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना। संप्रदाय गुरु, मेरी गलती माफ कीजिए। मैंने कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी है। संप्रदाय गुरु, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। चिंता मत करो, कालाबाग संप्रदाय तुम्हें बचाएगा। खड़े हो जाओ। शुक्रिया। आपके औषध कला की बहुत तारीफ है। अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है अब वो नहीं बच सकते। सिवाय वैद्य देव मिशाव और हुआ तो के अलावा कोई भी नहीं, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। वैद्य देव मिशाव कालाबाग संप्रदाय से उनकी गहरी दोस्ती है। पेन जाओ, गुप्त वसंत घाटी की यात्रा करो और उन्हें आमंत्रित करो। जी चलो 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 चलो। वैद्य देव मिशाओ, आपने यहां घुसपैठ क्यों किया? क्या आपको मैं याद हूं? मैं बाघ संप्रदाय का स्वामी पाये युंगशा हूं। मैं यहां 5 वर्ष पहले अपने गुरु के साथ आपसे मिलने आया था। हम लोग 5 वर्ष दूर रहे, कैसे हैं आप? वैसे तुम यहां पर किस कारण से आए हो? ये खत उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैंने अपने संप्रदाय के आदमी से आपको चिट्ठी भिजवाई है जिससे आपकी शांति भंग हुई है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे हुकूमत का एक प्राचीन कस्बे में अचानक से कई लोग पागल हो गए हैं। हमने देश के हर जाने माने वैद्यों से दिखवाया मगर कोई बीमारी ठीक ना कर सका, इसलिए मुझे हुआ तो को याद करना पड़ा। क्या आप हमारी मदद कर सकेंगे? वैद्य देव मिशाओ, गुरु जानते हैं कि आप कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन ये विशेष मामला है। हमारे कस्बे में जो बीमारी फैली है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर इसे नहीं रोका तो ये हमारे देश में तबाही मचा देगा। मारो!
वैद्य देव मिशाओ, उम्मीद करता हूँ हमारे संप्रदाय के गुरु के साथ दोस्ताना बना रहे ताकि लोगों को बचा सके। हमला! वैद्य देव मिशाओ, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं कुछ और लोग भी आपको मिलने आए हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं। तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए? मैं सच बोल रहा हूँ, ज्यांझू में एक अफवाह फैल गई है कि मेरे पास एक जादुई औषधि है जो किसी मार्शल कलाकार की शक्तियों को बढ़ा देती है। वो लोग वही लेना चाहते हैं। चिंता मत कीजिए वैद्य मिशाओ, मैं रक्षा करूंगा जब तक यहाँ पर हूँ। बादा संप्रदाय यूनजा गुरुजी। ओह, वैद्य देव मिशाओ। रोगी कहाँ है? पूर्व दिशा में। मार्गदर्शन करो। इस तरफ। ये कैसे हो गया? स्वर्ण सिल की कीड़ा गू। जी, क्या यह गू बीमारी है? यह उतना साधारण नहीं। गू बीमारी के दो लक्षण होते हैं। इस बीमारी में लोग दिमाग से नियंत्रण खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। हालांकि ये कीड़े जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन इनके मरने की वजह क्या हो सकती है? ये एक गंभीर मामला है। मैं ये कह सकता हूँ कि स्वर्ण सिल की कीड़ा गू ये तो केवल जहर फैलाने वाला है। अगर रोगी के शरीर से कीड़ा निकल भी जाएगा फिर भी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। इस जहर के अंदर क्या क्या मिला है जानने के लिए मुझे काफी समय जाएगा। फिर मैं औषधि बनाऊंगा। आपको कितना समय चाहिए? कम से कम 15 दिन, महीने भी लग सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जब मैं औषधि बनाने जाऊंगा तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। समझ गया। Yeah!
इसे नीचे रखो। ये तो मामूली सी लॉकी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम नहीं जानते, ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये जहर को काटने वाला एक चूर्ण है। अगर किसी को 100 तरह के जहर एक साथ पिला दिया गया हो तो भी ये उसे ठीक कर देगा। मैं ये तो नहीं कहता कि इसे लेते ही वो ठीक हो जाएगा, पर वो बच जाएगा। ये तो कमाल है। ये अमृत तो घाटी में पाई जाती है, इसके फूल निकलने में 10 साल और बीज बनने में 20 साल लगते हैं। इस दवाई की मदद से हम एक चमत्कारी दवाई बना सकते हैं, क्या कहते हो? मुझे यकीन नहीं है कि इससे पागलपन ठीक होगा या नहीं। क्या कहा? मेरे पास जहरनाशक यही चूर्ण है, अगर मेरा प्रयोग असफल हो गया तो मुझे डर है कि ये लोग मुझे बांध देंगे। हिम्मत मत हारना, अमर तो घाटी कैसे पहुंचते हैं? मैं वहां से लाता हूं। अमृत तो घाटी वसंत घाटी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते वहां की विशेषता है। वहां काफी जहरीले फूल दिखेंगे। तुम्हें तो औषधि के गुण की जानकारी भी नहीं, अगर तुमने किसी जहरीले पौधे को छू लिया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वैद्यदेव मिशाओ को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारी ये हिम्मत, हमला करो। लगता है युद्ध हो रहा है। अब यहीं रुको, मैं बस अभी आया। जीवित रहना चाहते हो तो वैद्य को हमारे हवाले कर दो। ये सब तुम्हारे सपने में, इन्हें हल्के में मत लो। वैद्यदेव मिशाव को बाहर निकालो। गुरुजी, मुझे यहां रुकना चाहिए। बकवास बंद करो, जाओ। गुरुजी,
आओ। वैद्य मिशाओ, कुछ देर यहीं पर छुपो, मैं गुरुजी की मदद करने जा रहा हूँ। मैं आकर आपको ले जाता हूँ, ये सही रहेगा? ठीक है। गुरुजी, 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 गु गुरुजी, अरे अरे भाई, जाओचेंग, जाओचेंग, गुरुजी कहाँ है? वो हमारे राजा और भाई को लेकर चले गए। क्या कहा? बोलो, पी उन्जाओ ने वैद्य को कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता। तुम मरोगे। ए, उसे जिंदा छोड़ दो, उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। पी उन्जाओ को कहो कि वो वैद्य देव मिशाओ को भेज दे हमारे पास। हाँ, जिंदा रहना है तो पी उन्जाओ को ढूंढो और उसे बोलो वो वैद्य देव मिशाओ को हमारे हवाले करके काले बाघ संप्रदाय को बचा ले। हाँ। क्या उन्होंने बताया हम अदला बदली कहाँ करेंगे? वो उसने कहा कि हम वैद्य देव मिशाओ को उनके हवाले कर दें, फिर वैद्य देव ही बताएंगे कि किस जगह मिलना है। ये अजीब है, वो हमें सीधा क्यों नहीं बताते? उनके कहने का यूं मतलब था कि वैद्य मिशाओ सारी चीजें जानते हैं, अगर हमें हमारे साथियों को बचाना है तो हमें वैद्य की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बड़े भैया अभी हम क्या कर सकते हैं? वैद्य मिशाओ, क्या हो गया? मेरे गुरुजी और बाकी साथियों को उन्हें दबोच कर कैद कर लिया है। राजा और भाइयों को उन्होंने पकड़ लिया है। ये आखिर कौन लोग हैं? बताओ हमें, हमें ये लोग कहां पर मिलेंगे? ले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी रक्षा के लिए हमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया और बदले में ऐसा किया? वैद्यदेव मिशाओ भाग गए, उन्हें कैसे ढूंढे? अब उन लोगों से हम अपने राजा और भाइयों को कैसे ढूंढे? उड़ताबाज संप्रदाय में ढूंढते हैं। उड़ताबाज संप्रदाय क्या है? मैंने गुरुजी से सुना है कि उड़ताबाज संप्रदाय जियांगो की सारी जानकारी रखता है और ये जानकारी वो उन लोगों को बेचते हैं जिनको उसकी जरूरत होती है। मेरा नाम पी युंगशाओ है, मिलकर अच्छा लगा। इस संप्रदाय के बारे में जानना चाहता हूँ। इस संप्रदाय के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा। किसे मारना है? तुम्हें। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर करूंगा तो क्या कर लोगे? रुक जाओ।
क्या तुम मुझे बताओगे जो मुझे जानना है? अगर मैंने इसके बारे में कुछ भी बताया तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। क्या तुम इस पर यकीन करोगे कि मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ? ये आकाश ड्रैगन संप्रदाय का है। कहाँ है वो? क्विलिन पहाड़ी पर। जो चैंग, तुमने यहां आने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन मैं आया तो हूं। हमने वैद्यदेव मिशाओ को लाने के लिए कहा था लेकिन तुम नहीं लाए। अगर तुमने हमारे साथियों को छोड़ा तो ही मैं उन्हें ले आऊंगा। मैंने भरोसा किया था। मुझे नहीं लगता कि न्यायाधीश तुम पर भरोसा करेंगे। मैं तुम्हें एक भव्य उपहार देता हूँ जिससे तुम उनका विश्वास जीत सकते हो। छोटे भाई, गुरुजी, अगर तुम चाहते हो काले बाघ संप्रदाय का सफाया ना हो तो बेहतर होगा हमने जैसा कहा वैसा करो। गुरुजी, अच्छा तो तुम हो गुरु पी उन्जाओ। मुझे वैद्य देव मिशाओ चाहिए, तुम नहीं। तुम वैद्य देव मिशाओ को मेरे पास लेकर आओ और तुम्हारे लोग सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा वादा है। अन्यथा मैं हर दिन कालाबाग संप्रदाय के एक आदमी को मारूंगा जब तक सब के सब खत्म नहीं हो जाते। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं वैद्य मिशाओ को आपके पास ले आऊंगा। अच्छा है, चलो 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 चलो।
वैद्य मिशाओ, चलिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी। रुको, ये जहर नाशक चूर्ण है, कई जहर के लिए चमत्कारिक औषधि जो केवल अमृतत्व घाटी में मिलती है। इसके फूल आने में 10 साल और बीज आने में 20 साल लगते हैं। वो अमृतत्व घाटी। चलो। अमृतत्व घाटी। वसंत घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऊबर खाबड़ पहाड़ी रास्ता वहाँ की खासियत है। वहाँ कई जहरीले फूल भी मिलेंगे। तुम्हें औषधि के गुणों की जानकारी भी नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ जहर लग गया तो तुम मर भी सकते हो। वैद्य मिशाओ यहां पर आ चुके हैं। मुझे बंदी बना लो पर मैं तुम्हें उस सिक्के के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे पता है। असंभव, तुम्हें कैसे पता चला? उड़ता बाज संप्रदाय, उन्होंने बताया कि यह सिक्का किसका था। मैं आकाश ड्रैगन संप्रदाय से मिला ही नहीं बल्कि उनके गुरु से भी मिला। तुम उनके गुरु से मिल चुके हो? जी बिल्कुल। मुझे उसके पास ले चलने के लिए उसने तुम्हें मजबूर किया। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। भागना बंद करो, मेरे साथ चलो। तुम मुझे कुर्बानी देने को कह रहे हो? मैं आपको बंदी बनाकर उनको छुड़ाने नहीं आया। मुझे लगा आप मेरी मदद करोगे साथियों को छुड़ाने में। मेरे पास एक योजना है, बस इसका स्वीकार करो। गुरुजी, यून जाओ। ये देखिए। देव वैद्य, आखिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब धोखेबाजी मत करो। मैंने वैद्य मिशाओ को यहाँ पर लाया है और अब जैसा आपने कहा था मेरे गुरु और साथियों को रिहा करो वरना मैं मैंने तुमसे वादा किया था मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। पिताजी, ये एक जाल है। वैद्य मिशाओ, आप
दवाई। स्वर्ण सिल की कीड़ा घू लगा दिया है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मौत भी पत्थर कर दूंगा। तुम्हें पता है कि केवल तुम ही एक ऐसे हो जो कि इस कीड़े से आजाद हो। क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे कुछ करने की। तुम्हें इस बात का डर होगा कि अगर मेरी याददाश्त चली गई, मुझ पर स्वर्ण सिल की कीड़े का हमला हुआ तो मेरी याददाश्त चली जाएगी और तुम जो जानना चाहते हो वो तुम नहीं जान पाओगे। सच में बहुत होशियार हो तुम। ठीक है, जब तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। बताओ मुझे सोना कहाँ रखा हुआ है। सोने का स्थल बताने से पहले मैं अपने आप को खत्म कर लेना पसंद करूंगा। मुझे पता है कैसे बुलवाना है। तुम दोनों उसे बेदी के पास लेकर जाओ। ओह, मैं तो भूल गया, तुम्हारी याददाश्त तो खत्म हो गई। बेशक तुम नहीं जानते हो कि बेदी कहाँ है। चलो मेरे साथ। बुरा लग रहा है ना, तुम मुझे इधर उधर भगा रहे थे। अब तुम मेरे बंधक हो। आकाश ड्रैगन संप्रदाय जिसको बनाने में तुमने मेहनत की वो मेरी हो जाएगी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो बेवकूफ। लगता है तुम कभी अपनी थाली में झांक कर देखते नहीं। तुम घू का इस्तेमाल उन्हें वश में करने के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या तुम उन्हें हमेशा के लिए वश में कर पाओगे। प्यार से कह रहा हूँ रिहा कर दो, फिर मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर मैं इस खतरे से बाहर निकल गया तो। सोना कहाँ है? अगर नहीं बताओगे देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी या मेरा चूर्ण। इसका मुंह खोलो। Ah! 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 Ah
इंशाओ, उस पर नजर रखो, जैसे वो जागता है तुरंत बताओ मुझे। जी बाकी सब मेरे साथ आओ। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ये मैं हूं। तुम पर तो कीड़े गू का हमला हुआ था, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या तुम पर उस स्वर्ण सिल की कीड़े गू का असर नहीं हुआ? बताओ मुझे। जैसे ही हमला हुआ मैंने वो जहर नाशक ले लिया, इसीलिए मुझ पर असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपके और वैद्य के बीच में कोई कहानी है क्या? वैद्य देव मिशाओ, वो औषधि महागुरु है। वो कुछ वर्ष पहले आकाश ड्रैगन संप्रदाय का पुरोहित बन गया था, मगर एक समय पर आकर उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया। उसने गुप्त रूप से जहर बना लिया। वो मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया पे राज करना चाहता था। उसने वो जहर साधारण लोगों पर आजमाया। जब मुझे ये पता चला तो वो भाग गया। मैंने कुछ लोगों को उसे वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन नहीं पता था कि तुम्हारा काला बाघ संप्रदाय उसकी रक्षा करेगा। इसलिए भयानक वारदात हुई। मैं झूठ के बहकावे में आ गया था कि आप उसके साथ मिले हुए हैं, इसलिए मैंने आप पर आक्रामक रवैया अपनाया। मैंने तुम्हें वैद्य देव मिशाओ को पकड़कर लाने और बंधकों को छुड़ाने की बात कही थी। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा हम पर नियंत्रण करने के लिए। ऐसा तरीका ढूंढेगा, इसलिए वो आकाश ड्रैगन संप्रदाय को जानते हैं, वो उनके साथीदार हैं। गुरुजी, मैं आपके शरीर में जहर को रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैंने उसके प्रभाव को पूरी तरह रोक दिया है। थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, मैं देखता हूं अगर मैं वो विष नाशक चोरी कर पाया वैद्य मिशाओ से। गुरुजी, मैं यूंग शाओ। गुरुजी दोनों एक एक पलटन लेकर जाओ और पता करो सोना कहां है। जी।
तुम कौन हो? अंदर कैसे आ गए? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वो दवाई मुझे दो। वो दवाई तुम्हें कैसे दे सकता हूँ मैं? अभी तक तो उसे मैंने बनाया भी नहीं सही से। वैद्य मिशाओ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम झूठ बोल के बच जाओगे। तुमने सबको कैद करके रखा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, या तो मुझे वो दवाई दो या फिर मर जाओ। रुको, तुम तो काला बाग के हो ना? तो तुम अभी नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं? ओह, मुझे याद आ गया, तुम सही हो। हाँ, तुम हे जेतियन के शिष्य हो ना? पिंजाओ, एक बार तुम हे जेतियन के साथ में मुझसे मिलने वसंत घाटी आए थे। अरे हाँ, याद आया, सही कहा ना? पागलों की तरह बर्ताव मत करो, दवाई दो मुझे या फिर मारे जाओगे। ठीक है, मुझसे लेकर चले जाओ। लगता है तुम मुझे वैद्य देव म्योक्सिन समझ लिया है। वैद्य म्योक्सिन? अरे हाँ, और क्या, जंगली पत्थर का प्रभारी है वो। और अफवाह यह है कि उसकी औषधि कौशल भी उतनी ही अच्छी है जितनी की मेरी। मगर वो निर्दयी और क्रूर है। तो फिर तुम कौन हो? वैद्यदेव मिशाऊ। तो वो कौन था जो अभी गया? वो म्योक्सिन था। तो फिर वो और तुम? अरे, हम दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा भाई। तुम लोग दोनों जुड़वा हो? हाँ। तो फिर उसने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया? देखो, ये एक लंबी कहानी है। हम दोनों ने बचपन में ही औषधि की पढ़ाई शुरू की थी। हम औषधि में प्रसिद्ध होना चाहते थे, मगर फिर हमारे पिताजी अचानक मर गए। फिर हम लोग जियान झू चले गए। कभी कभी हमारे दुश्मन भी बन जाते थे। म्योक्सिन, अरे तुम, उन्होंने आपकी चिकित्सा पर सवाल उठाया था तो उन्हें फटकार कर बता सकते थे ना? इन्हें मार क्यों डाला? तुमने उनके शरीर को भी नहीं छोड़ा। ये तो क्रूरता की हद हो गई। जो भी मुझसे सवाल करता है वो मरता है। तुम मिशाओ, तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे खिलाफ ही रहते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कब गया? मैं जिसे भी मारना चाहता हूँ तुम उसे बचा लेते हो। ये मेरे खिलाफ काम करना हुआ? अरे, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। तुमने म्योक्सिन के रूप में बहुत बुरी प्रतिष्ठा कमाई है। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो लोगों के दुश्मन बन जाओगे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब हर कोई जानता है कि वैद्य मिशाऊ म्योक्सिन से ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने शैतानी काम किए हैं। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ। तुम और मैं दोनों एक ही शहर में नहीं रह सकते। या तो तुम्हें अपनी मार्शल कला को पहले की तरह करना होगा, नहीं तो सब कुछ छोड़ दो। अगर मैं कुछ ना चुनूं तो फिर मुझे दोष मत देना। हमारे भाईचारे में खटास आ गई है। मैं भाई से लड़ना नहीं चाहता था, पर मैं डर गया कहीं उसे मालूम ना हो जाए कि मैं जिंदा हूं। इसलिए मैं भागकर वसंत घाटी चला गया और वहीं रहने लगा। तो फिर उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? कुछ साल पहले मैं घाटी के बाहर आया। Thank you.
अब आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। ये औषधि लिख देता हूँ, इसे दिन में 2 बार लेते रहना। तुम्हारे गुरुजी को मैंने खानदानी नुस्खे का इस्तेमाल करके ठीक कर दिया था और वो हर जगह मेरी तारीफ करने लगे। लगता है इसी से ये अफवाह म्योक्सिन तक पहुंच गई, इसीलिए 10 दिन पहले वो अचानक घाटी में आया। मुझे समझा, मैं यहां तुम्हारे लिए आया, लेकिन मुझे तो यहां मियोक्सिन मिल गया। उसने तुम्हारे जैसा वेश बदला और मेरा पीछा करता रहा, तभी तो वो काले बाग में पहुंचने के बाद वो संप्रदाय के गुरु से मिला, उसने पुरानी बात नहीं की। ओह, वैद्य देव मिशाओ, रोगी कहां है? पूर्व दिशा में। मार्गदर्शन करो। वो मेरा वेश बनाकर काला बाग संप्रदाय में क्यों गया? आकाश ड्रैगन संप्रदाय उसकी खोज में निकला है, मुझे लगता है वो वहां शरण लेने गया था। ओह, अगर तुम चले गए थे तो वो तुम्हें वहां वापस कैसे लाया? जब मैंने विषनाशक चूर्ण से जहर ठीक कर दिया था, तभी उसको मालूम हो गया होगा कि मैं अमरत्व घाटी में छिपा हूं, और वो पीछा करते यहां आ गया और उसने मुझे बंधक बना दिया। मुझे तो लगा था कि वो मेरी जान ही ले लेगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये स्वर्ण सिल की कीड़ा गु को भगाने वाला सूत्र है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा विषनाशक विकसित करो। क्या तुमने वो दवाई बनाई है? नहीं। क्या तुम उसे बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने दवा बनाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे उसका उद्देश्य पता नहीं था, लेकिन अब जब तुम मुझे बता रहे हो कि उसने जहर के इस्तेमाल से कई लोगों को अपने वश में किया है, तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने दिन लगेंगे? वैसे मेरे पास जहर दूर करने की औषधि नहीं है। वैद्य मियोक्सिन ने मुझ पर कई बार उस जहर से मुझ पर हमला किया था, लेकिन वो एक भी बार कामयाब नहीं रहा। मुझे लगता है वो विषनाशक चूर्ण काम कर गया। मुझे बताओ, अगर मैं उस घाटी में गया और वो चूर्ण तुम्हारे लिए लाया, तो क्या तुम इसे बना सकते हो? रहने दो, रहने दो, मेरे पास चूर्ण है। देखो, गुहीड़ा तुम पर प्रभाव नहीं दिखा सका इसी चूर्ण के कारण, अभी जहर उसे दबा रहा है, लेकिन समय के साथ जहर तुम्हारे शरीर में काम करने लगेगा। मेरी बात सुनो, वो कीड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। ये पश्चिमी क्षेत्रों का बहुत ही गुप्त कीड़ा है जो कई तरह की आवाजें निकालता है। ये चूर्ण तुम्हारे शरीर में थोड़ी देर बाद चूर्ण का असर कम हो जाएगा, लेकिन ये कीड़ा हमेशा रहेगा। तो क्या जहर निकाल सकते हैं? निकाल सकता हूं, पर उसके लिए मुझे हिमालय का हिमकमल चाहिए। हिमकमल? ये तो सिर्फ दक्षिण इलाके में उगता है ना? ये जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से शाही महल में ये औषधि होनी चाहिए। तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं। वैद्य मिशो, कुछ देर यहीं पर रहिए और याद रहे किसी को पता मत चलने देना। और हां, आकाश ड्रैगन के गुरु को भी जहर दिया है वो उस कीड़े के जरिए, तो मुझे बताओ क्या वो जहर निकाला जा सकता है? उस जहर को भी उसी से निकाला जा सकता है। हजारों साल पुरानी हिमकमल हर कीड़े का जानी दुश्मन है, लेकिन एक कहावत है, विपत्तियां और सौभाग्य साथ साथ आते हैं। हिमकमल इतना शक्तिशाली है कि वो कीड़े गु को पूरी तरह से सुला देगा और इंसान को जीवन देगा। मियोक्सिन भी मुझसे कम जानने वाले नहीं है, लेकिन अभी तक उन्हें विषनाशक दवाई बनाने में सफलता क्यों नहीं मिली? मुझे लगता है कि वो कीड़ा गु को मारने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं तो कीड़ों को बाहर निकालने की। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
मैं ये मान नहीं सकता कि वैद्य देव मोक्सिन भेष बदलकर वैद्य देव मिशाओ बन गया है। मिशु ने दवा बनाने के लिए हाँ कर दी है। कब तक बनेगी ये दवा? हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। आपके अंदर जो जहर है और बाकी लोगों में जहर, ये निकालने के लिए एक दवा चाहिए, तो मैं शाही महल में जाकर वो कमल चुराऊंगा और वो मिशो को दूंगा, फिर बनाएगा वो दवाई। हजारों साल पुरानी वो कमल, तुम्हें शाही महल जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें मेरे गुप्त कक्ष में मिल जाएगी। आपके पास कैसे है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, उसे लाकर देव मिशाओ को दे दो, जाओ। हाँ। तुम सब पिंजाओ को ढूंढना शुरू करो। जी। ये लो, देख लो इसे। ये तो सच में हजारों साल पुरानी हिमकमल है। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मुझे तहखाने में मिला है। जल्दी दवाई बना लो। हाँ। ढूंढो। हुआ हमारे साथ? ये तो मुझे भी नहीं पता। मियोक्सी ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किया था, जो मिशु बनने का नाटक कर रहा था, और असली मिशु ने दवाई बनाई है। ये लो, ये गुरुजी के लिए है। ये उनके शरीर में से जहर निकाल सकता है, और ये आपके गुरुजी की जान बचाएगा। हाँ। और हमारे बाकी साथियों की भी जान बचाएगा। हाँ, उन्हें बचाने के बाद हम महल में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उन साहब को पकड़ो। अभी आप ठीक हैं?
बेटी, हमने गलती से वैद्यदेव मियोक्सिन को वैद्यदेव मिशाओ समझ लिया था। वो एक कीड़े के जरिए पूरे दुनिया को कब्जा करना चाहते थे। ये चीज घिनौनी है, हमें उसे अभी निकालना चाहिए। चलो महल जाते हैं। चलो। क्या बिंजाओ मिला? तुमने हमारा अपमान करके बाहरी लोगों की मदद की है, मेरे खिलाफ चले गए तुम। नहीं, हमारे खानदान की परंपरा भूल गए। तुमने चिकित्सा का उल्लंघन किया है। तुमने औषधि को न केवल आम जनता पर परीक्षण किया बल्कि लोगों को वश में भी किया। आकाश ड्रैगन संप्रदाय के गुरु ने कहा था करने के लिए। ओके, उसे कहने दो। ये हमें लड़ाना चाहता है, भरोसा मत करो उसका। 5 साल पहले मुझे पता था कि मिशाओ मरा नहीं, तब मैं वसंत घाटी में गया था। वैद्य देव मिशाओ, आखिरकार आप बाहर तो आए। आपको क्या चाहिए? मैं आकाश ड्रैगन संप्रदाय का गुरु हूँ। मैं ल्यू ज़ोन्यू आपका आकाश ड्रैगन संप्रदाय में स्वागत करता हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। आइए जाम पीते हैं। मिशाओ, लोग कहते हैं आपकी चिकित्सा कला तारीफ के परे है, इतना परे कि आप मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते हैं। मुझे घाटी के बाहर एक दुर्लभ वस्तु मिली है, मैं चाहता हूं कि आप उससे एक खास औषधि बनाएं। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? स्वर्ण सिल्की कीड़ा? मैंने जितना सोचा था आप उतने ही जानकार निकले। इसकी ध्वनि बड़ी संवेदनशील है, ये लोगों के अंदर जिंदा रहता है और लोगों को ध्वनि के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, इस कीड़े से एक ऐसी औषधि बनाइए जिससे मैं अपने संप्रदाय के लोगों के दिमाग पर काबू पा सकूं। लोगों को वश में करना? आखिर तुम इससे क्या करना चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं आपकी मदद से शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। इस समय आपकी प्रतिभा का कोई जोड़ नहीं, आप खुद को गुप्त वसंत घाटी तक सीमित क्यों रखते हैं? आजकल शाही राजमहल में किन्नर सत्ता संभाल रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं। आकाश ड्रैगन संप्रदाय अभी सबसे मजबूत संप्रदाय बनकर उभर रहा है। अभी मैंने काफी सोना जमा कर लिया है और मुझे बस ऐसा चाहिए कि मुझे ऐसी शक्ति हासिल हो जाए जिससे मैं सबको अपने वश में कर लूं। फिर मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? तुम्हें ना सिर्फ आधा सोना मिलेगा बल्कि मेरे साथ रहकर आप राज भी करेंगे। ठीक है। ये लीजिए। औषधि के परिणाम हमारे प्रतिकूल हैं, हमें विनाशक विकसित करना होगा। बिना विनाशक के हम लोग समय के साथ पागलों पर से अपना नियंत्रण खो देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत एक विनाशक विकसित करो। अरे उसे कोई बचाओ जाकर। जल्दी चलो, बचा कर भाग। मेरे पैर में दर्द है।
मैं जहर निकालने में कभी उतना अच्छा नहीं था। मैंने विश्वासक बनाने के लिए काफी सारे दिन बिता दिए और गुरुजी को लगा कि मैं विश्वासघाती हो गया हूं, और फिर मुझे मारने की धमकी दी तो मुझे भागना पड़ा। लेकिन मुझे कम ही उम्मीद थी कि वो मुझे छोड़ेगा। उसने मेरा शिकार कर लिया। भैया 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 मियोक्सिन सिर्फ अकेला इंसान नहीं था जिसे मैंने खत्म किया है, मैं तुम सबको खत्म करूंगा। तो अब तक की तुम्हारी ये चाल थी। जाओ ने हम सबको बचाया है, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मिंगशुंग, इसे मार डालो और पीयून जाओ और उसके गुरु को भी। पिताजी, क्या तुम मुझे धोखा दोगी? नहीं दूंगी। तो करो। चलिए गुरुजी, कसके पकड़िए। यंशो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। गुरुजी, यंशो, मैं असक्षम हूं। मैं अपने संप्रदाय को बचाने में असफल हो गया और सबकी मौत का कारण बन गया। गुरुजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आकाश ड्रैगन बहुत ही घिनौना और पापी है। यिनशाओ, मैं अब नहीं बचूंगा, मुझसे वादा करो। मेरी मौत के बाद तुम आकाश ड्रैगन से निकल जाओगे, मुझसे ये वादा करो। याद रखना, जहां जिंदगी है वहां गुरु है। जहां समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग इधर से जाओ। जी हाँ, चलो। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, तुमने मेरे और मेरे लोगों की जान बचाई। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अब जाओ। अगर तुमने आज मुझे जिंदा छोड़ा, फिर भी मैं गुरुजी का बदला लूंगा। जानती हूं।
पिताजी, मैंने पी उन्जाओ और कालेबाग संप्रदाय के गुरु को मार डाला। तुम जा सकती हो। पिताजी बस कीजिए, अब और अत्याचार करना बंद कीजिए। गुस्ताख, क्या तुम न्यायाधीश की तरह मेरे खिलाफ जाओगी? उसने तो सिर्फ पीउंजा और दूसरों के लिए अच्छी बात रखी थी और आपने उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। ये सब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसकी वफादारी ही एकमात्र कारण है कि मैंने उसे मारा नहीं। अगर तुमने एक बार फिर से उसके लिए विनती की तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना मैं रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं करूंगा। वैद्यदेव मिशाओ को यहां लेकर आओ। चलो। उस घू कीड़े के जहर का तोड़ मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सूत्र दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम भी रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे क्यों रोका? अरे संप्रदाय गुरु को निकाल दिया गया है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। छोड़ दो इन्हें।
मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, मैं इसी लायक हूँ। मुझे मार डालो, मार दो मुझे। मुझे बताओ, तुम्हारा गुरुजी सच में ऐसा चाहता है कि वो पूरे जियांग ऊपर कब्जा करे, या उसके कुछ और इरादे हैं? जिन्यू पर शासन करने के लिए स्वर्ण कीड़े का इस्तेमाल करना चाहता था, एक ऐसी सेना बनाना चाहता था जो शाही खानदान को खत्म कर सके। उसे जाकर मार दे। गुरु और मैं सम्राट के पसंदीदा किन्नर हुआ करते थे। तुम लोग किन्नर थे? हम ल्यूजिन के लिए काम करते थे। पूर्वी कक्षों के 8 भागों का नेता था वो। 20 साल पहले लिंगची ने उसे मार डाला। ल्यूजिन की मृत्यु के बाद हम लोग शाही महल से भाग गए और संप्रदाय गुरु निंग के यहाँ जाकर शरण ले ली। गुरु निंग? गुरु निंग अकाश ड्रैगन के पुराने नेता थे और वो निंग शुंग के पिता भी थे। गुरु निंग के यहाँ शरण लेने के बाद हम लोगों को उनके सोने का पता चला और वर्तमान सांप्रदायिक गुरु उस पर खुद कब्जा करना चाहता था। उसी ने निंग गुरु की हत्या की थी। जब वो बंद कमरे में अभ्यास कर रहे थे तो उन्हें धोखे से मार डाला और खुद को गुरु घोषित कर दिया। आकाश ड्रैगन का इतिहास दोबारा लिखवाया और हमारी पहचान को मिटा दिया। वर्तमान गुरु ने अपनी किन्नर की पहचान को छुपाने के लिए निंग शुंग की बेटी को अपनी बेटी बनाकर रख लिया, जो इतनी नादान थी कि कुछ समझ नहीं पाई। क्या वो सब सही में हुआ? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। असंभव। निंगशुंग, ये गुरु प्रतिदिन एक औषधि से स्नान करता है ताकि उसकी आवाज मरता ना बनी रहे। अगर भरोसा नहीं तो उसके कक्ष में जाकर देख लो। सुनो, तुम्हें निकलना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। हाँ। मैंने कहा था ना, कोई परेशान न करे जब मैं स्नान करता हूँ। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। मेरे पिताजी ने तुम पर रहम करके शरण दी और तुमने उन्हें मारकर कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी ये योजना है कि स्वर्ण सिल के कीड़े गू का प्रयोग करके पूरे देश में दहशत फैलाओगे। आज मैं न्याय करके रहूंगी। जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? हमें तबाह कर दिया और निर्दोष लोगों की जान ली, लेकिन आज मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता।